मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया था, और मैंने चिंगम का भी इस्तेमाल किया था अपने फेस फैट को रिड्यूस करने के लिए. तो क्या हुआ था मेरा फेस फैट कम, और वाकई में हुआ था, किस वजह से हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ. पहले चल के मेरी पिक्चर्स देख लीजिए. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज डॉक्टर सादिया शेख. आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिड्यूस फेस फैट, और दिस इज द सेकंड पैड क्वेश्चन. सबका सेकंड पैड क्वेश्चन है ये, और फर्स्ट पैड क्वेश्चन क्या है, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट. तो आज हम बेली फैट पे नहीं, हम फेस फैट पे बात करेंगे. सबको जॉ लाइन चाहिए ना, मार्क जॉ लाइन फैशन में ना बहुत ज्यादा, तो लोग डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर्स करवा रहे होते हैं, सर्जरीज करवा रहे होते हैं डबल चिन खत्म करने के लिए और फेस फैट को जॉ लाइन को मार्क्ड करने के लिए, है ना. तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ बिफोर वेट लॉस पिक्चर्स भी शेयर करूंगी अपने फेस की. और मैं एक वीडियो जो मेरा आई थिंक सेकंड वीडियो था जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो उसका भी छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी. पहले वो चल के देख लें और फिर आफ्टर की पिक्चर्स भी देख लें, और मेरा पूरा जर्नी देखें आप लोगों के सामने है, ठीक है. मेरे वीडियोज भी है, मेरे पिक्चर्स भी हैं, और ये ब्लैक शर्ट में तो मेरा रिसेंट फोटो है, तो ये आप चल के देख लें कि कितना डिफरेंस है इसके अंदर, और मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज की थी, मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया था, और मैंने च्युइंगम का भी इस्तेमाल किया था अपने फेस फैट को रिड्यूस करने के लिए. तो क्या हुआ था मेरा फेस फैट कम, और वाकई में हुआ था, किस वजह से हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ. पहले चल के मेरी पिक्चर्स देख लीजिए. मैंने फील किया होगा कि आपका फेस बिल्कुल रेडिश सा हो जाता है जब कोई आप फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज या वॉक करके आते हैं, इसलिए कि आपका दौरानिया खून बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है, आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगी, और आपका रंगत चाहे जैसी भी हो एक अच्छा सा निखार सा, एक फ्रेशनेस सी, एक शाइन आपके चेहरे पर आ जाएगी. तो देखा आपने कि कितना मार्क डिफरेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और देखें जॉ लाइन भी माशाल्लाह से मार्क्ड हो गई अब, और फेस फैट भी रिड्यूस हो गया. और मैं ये देख रही थी कि देखें डिस्कशंस होते हैं, कुछ लोग पूछ रहे होते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स पूछ रहे होते हैं कि किस तरह से फेस फैट कम किया जाए, डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज देख रहे होते हैं, और वो यूट्यूब चैनल पे मिलियंस में व्यूज हैं ऐसी एक्सरसाइजेस के. और मैं आप लोगों को बिल्कुल सही बात बता रही हूँ, बिल्कुल सिंसियरली मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ कि इस तरह की एक्सरसाइजेस का कोई फायदा नहीं है, वो आपका फेस के फैट को रिड्यूस नहीं करती, ठीक है. आपके फेशियल मसल्स स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कर लें वो एक्सरसाइजेस. और मैं आपको एक बात बताऊँ कि वो वैसे ही खवातीन की तो वैसे ही वो वैसी शक्लें बन जाती हैं जो एक्सरसाइजेस में देख रही थी यूट्यूब पे, फनी फनी से फेसेस बना रही होती हैं वो खवातीन कि वो माओ के वैसे ही फेसेस ऐसे बन जाते हैं जब वो अपने बच्चों पे चिल्ला रही होती हैं, गुस्सा कर रही होती हैं, और मर्द हजरात के सुख बन जाते हैं जब वो ट्रैफिक जैम में स्टक होते हैं. तो उसकी फिक्र ना करें, वो वैसे ही आपके एक्सरसाइज हो जाती है फेशियल, ठीक है ना. तो आपको फिक्र ये करनी है कि आपको किस तरह से फेस फैट रिड्यूस करना है. और च्युइंगम के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि मैंने शुरू में जब मैंने अपना वेट लॉस किया था कोविड के टाइम पे, तो मैंने ना च्युइंगम ये खानी शुरू की थी, और ये ऑर्बिट के नाम से भी मिलती है, मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये एक्स्ट्रा के नाम से भी मिलती है, शुगर फ्री च्युइंगम है, जो कि अब WHO ने उनकी रिकमेंडेशंस आ गई हैं कि इसका इस्तेमाल तक कर दें, क्योंकि इसके अंदर एस्पार्टेम होता है और वो कैंसर कॉजिंग एजेंट है, ठीक है. इसके लिए भी कहा है, और जो जीरो कोला है या जो पेप्सी है ये शुगर फ्री जिस पे लिखा होता है, इसके अंदर एस्पार्टेम होता है और ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है, तो इनका इस्तेमाल आपने नहीं करना है, ठीक है. अच्छा जी, आ जाते हैं च्युइंगम पे. तो च्युइंगम खा के क्या मेरा फेस फैट कम हुआ था? जी बिल्कुल हुआ था. वो क्यों हुआ था वो आप सुन लें बार से, क्योंकि मुझे मीठा खाने का बहुत शौक था, शुगर की क्रेविंग्स होती थी, तो मैं क्या करती थी कि च्युइंगम ले लेती थी एक, और उसके साथ ग्रीन टी का एक कप, मैं मुझे इतना मजा आता था उसको पी के इस च्युइंगम के साथ. तो उससे क्या हुआ कि मैं कैलोरी डेफिसिट में गई, सही, ठीक है. मेरा मैंने मीठा नहीं खाया, ये खा लिया, इसके अंदर कैलोरीज तो नहीं होती, सही है. अच्छा, दूसरा ये कि चाय की क्रेविंग्स मेरी ओवरकम हुई, मिक्स टी मैं लेती थी मिल्क और शुगर की, स्पेशली बाहर की जो कड़क चाय, तो उन वो सारी कैलोरीज लेना बंद हुई, तो फिर ओवरऑल मेरा वजन कम हुआ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से मेरा फैट फेस फैट भी कम होना शुरू हो गया, ठीक है. तो जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाएंगे, आप ओवरऑल अपनी बॉडी का वजन कम नहीं करेंगे, आपका फेस फैट रिड्यूस नहीं हो सकता. लेकिन कुछ अरसे के बाद मैंने इसको लेना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी क्रेविंग्स ओवरकम होना शुरू हो गई थी, फिर मेरा दिल भी नहीं चाहता था. और मैंने, आपको पता है कि एक तो आपका मनी भी वेस्ट होता है ना, आप इतना एक्सपेंसिव आप प्रोडक्ट खरीदें, और ये कोई नेचुरल सोर्स तो है नहीं. फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं अपना नॉलेज अपग्रेड करती गई, आपको पता है, फिर मैंने अपनी चाय की क्रेविंग्स को और अननेसेसरी जो क्रेविंग्स होती
थी मुझे चाय की और मीठा खाने के क्रेविंग्स को कैसे ओवरकम किया, मैंने ग्रीक योगर्ट का मैं लेती थी 2 से 3 टेबल स्पून, उसमें पानी ऐड करती थी, स्टीविया ऐड करती थी, सॉल्ट मैं नहीं ऐड करती थी, और उसको अच्छे तरीके से बॉटल में शेक करके मैंने इस तरह से उसको रिप्लेस किया। तो आपकी गट हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, और आपको पता है जब आप दही का इस्तेमाल करते हैं ना, दही का इस्तेमाल करते हैं वेट लॉस में, तो 90% वो आपकी बॉडी में से फैट को रिड्यूस करता है, तो वो प्रोबायोटिक भी है, आपकी गट हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है, वेट लॉस में भी हेल्प हो रही है, आपकी स्किन भी ग्लो कर रही है। तो फिर मैंने उसको रिप्लेस किया, और बहुत अरसे तक मैंने अपना लंच में सिर्फ मैं वही लेती थी और थोड़ा सा सैलेड ले लेती थी, तो मैं काफ़ी देर तक मैं सेशिएटेड फील करती थी, फीलिंग ऑफ फुलनेस आती थी, तो भी मैं कैलोरी डेफिसिट में गई और मेरा वेट लॉस हुआ, तो ओवरऑल वेट लॉस हुआ। और आपको पता है कि दही के तो कितने फायदे हैं, तो इस तरह से मैंने अपनी क्रेविंग्स को भी ओवरकम किया विद वेरी बेस्ट एंड हेल्थियर ऑप्शन। ठीक है, निकल आए इस चीज से। लोग ये कह रहे होते हैं कि अलग से एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं आपके सामने हूं, मैंने तो नहीं की इस तरह की। हाँ, मसाज को मैं बहुत प्रमोट करती हूँ, क्योंकि मसाज आपको फेस पे करना चाहिए, वैसे ही आपके मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं और आपके जो सर्कुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, तो मसाज को मैं कहती हूँ कि मसाज करें, लेकिन उससे फेस फैट कम नहीं होता है। फेस फैट उसी वक्त कम होगा जब आप कार्डियो एक्सरसाइजेस करेंगे, आप मीठी चीजें, चीनी, शक्कर, गुड़, जैगरी, जब आप ड्यूरिंग वेट लॉस इन सब चीजों को आप लेना बंद करेंगे, क्योंकि देखिए गुड़ और जो शक्कर होती है उसकी भी कैलोरीज उतनी ही होती हैं, ठीक है, वो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की ही सोर्सेज हैं, ठीक है, उसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो उस वक्त जब आप वेट मेंटेन कर रहे हैं ना तब आप ले सकते हैं, जब वेट लॉस कर रहे होते हैं तब आपने नहीं लेना है। और चीनी आप लेना छोड़ देंगे ना, मैं आपको सही बता रही हूँ, आप चीनी लेना छोड़ें, आपको हफ्ते 10 दिन में ही अपना फेस जो है वो फेस कट आपका जो है वो नुमाया होना शुरू हो जाएगा, आपका फेस पर से स्वेलिंग भी कम होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि जब कभी आपने देखा होगा सॉल्ट इनटेक ज्यादा हो जाती है, या बाहर के खाने या पैकेट फूड अगर आप ज्यादा लेते हैं उसके अंदर हिडन शुगर्स और सॉल्ट्स होती हैं, आप कहते हैं हमने तो चीनी हम नहीं ले रहे, हम तो नमक भी ज्यादा नहीं ले रहे, लेकिन जो बाहर की पैकेट की चीजें हैं उसके अंदर ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं, तो वो पफीनेस आती है, क्योंकि सॉल्ट की वजह से क्या होता है कि वाटर ब्लोटिंग होती है, वाटर रिटेन होता है बॉडी में, तो आपका फेस भी जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे स्वेलिंग हो जाती है फेस पे, आपके पैरों पे भी, जो ये आपके लेग्स होती हैं यहाँ पर भी, अगर आप उसे ये जो आपकी आगे वाली जो बोन होती है ना जिसे शन कहते हैं उसे आप प्रेस करके देखें तो वहां पे थोड़ा सा खड्डा सा बन जाएगा, तो इसका मतलब कि एडिमा हुआ है, ठीक है, स्वेलिंग हुई हुई है बॉडी में। तो सॉल्ट की इनटेक आपको कम रखनी है, सही है, और इसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपने कम करने हैं, चीनी तो आप बिल्कुल छोड़ दें, बाय बाय टाटा कह दें चीनी को और चीनी से बनी हुई सारी चीजों को, और फिर आप देखें कि आपका आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, ठीक है, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, ठीक है, आपके टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव होंगे और आपका फेस फैट भी कम होगा जब आपका ओवरऑल बॉडी का वेट रिड्यूस हो। तो कंक्लूजन क्या निकला है इस बात का कि आपने ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट में जाना है, एक्सरसाइज करनी है, वाटर इंटेक का ख्याल रखना है, बाहर की चीजें नहीं खानी है, घर का बना हुआ सादा खाना खाना है, अपने हाथों से बना के खाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, आप भी खुश होंगे, आपके घर वाले भी खुश होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ, बाय बाय।